बुलंदशहर में कांग्रेस ने जिले की 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी है। वही एक ऐसा नाम भी है जिसने किसान आंदोलन में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी। कांग्रेस ने इस बार सियाना सीट से पूनम पंडित को चुनाव मैदान में उतारा है। यूपी के बुलंदशहर की निवासी पूनम पंडित 3 कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। सोशल साइट्स पर उनके सबसे ज्यादा वीडियो और बयान वायरल होते थे। उनके इसी नेम और फेम को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें सियासी मैदान में उतारा है। पूनम पंडित मूल रूप से सिकंदराबाद ब्लॉक क्षेत्र की माइलपुर की रहने वाली है। ठेठ भाषा बोलने वाली पूनम पंडित ने बयानों से सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में पूनम पंडित को मंच पर चढ़ने से रोक दिया था, इससे हंगामा भी हुआ था। उस दौरान उनके बयान और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बने थे। उनकी छवि एक धाकड़ छोरी के रूप में बनी। किसान आंदोलन में वे मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधती रहीं। लखीमपुर कांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पूनम पंडित गई थी। लाखों फॉलोअर्स वाली पूनम ने सोशल मीडिया पर कहा था कि जब तक किसान बिल पास नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगी। ऐसे ही कुछ मूव्स थे जिसने पूनम को एक पहचान दिलाई। आज वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बता दें, कुछ साल पूनम पंडित सपना चौधरी की बाउंसर भी रही हैं। इस बात को पूनम भी स्वीकारती है। पूनम कहती है उन दिनों जीवन यापन के लिए बाउंसर भी थी। उनके पिता विनोद पंडित का 8 साल पहले निधन हो गया था। वही पूनम की बहन पूजा पंडित और संध्या पंडित की शादी हो चुकी है। भाई पिंटू पंडित मेरठ में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कांग्रेस ने 7 सीट में से 4 सीटों पर युवाओं पर दांव खेला है। इसमें शिकारपुर विधानसभा से जिया उर रहमान, सियाना से पूनम पंडित, खुर्जा से टुक्कीमल खटिक और दिबाई से सुनीता शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सिकंदराबाद विधानसभा से सलीम अख्तर, बुलंदशहर सदर से सुशील चौधरी और अनूप शहर विधानसभा से पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।